फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, नवाज शरीफ ने एपीसी में तकरीर करके अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ की 2 साल मेहनत पर पानी फेर दिया। वजीर इत्तेलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी, अजीत देवल और मेजर गुरु आर्या की जबान बोली और पाकिस्तान की सियासी और मआशी मफादात के दुश्मन ताकतों से मुताबत का सबूत दिया। अपने ताजा बयान में फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अपोजिशन की PDM दरअसल पाकिस्तान डेमोलिशनिंग मूवमेंट है और कीना, बुग्ज और अनाथ का इजहार अपोजिशन के मुनाफकत का सबूत है। वजीर इत्तेलात पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपोजिशन के इस्तेमाल की नाकाम कोशिश की और APC में नवाज शरीफ के सिवा घंटे की तकरीर ने शहबाज शरीफ की 2 साल मेहनत का गला घोट दिया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि इदारों के खिलाफ बोलने वालों ने आर्मी, ISI चीफ से मुलाकातें की और दीगर अस्करी हुकाम से मिले। अवाम लूट मार एसोसिएशन के मनफी जज्बात से आगाह हो चुके हैं। दुश्मन ताकतों की गोद में पलने वाले किसी अंसर को परवान नहीं चढ़ने देंगे।